नमस्कार आप सभी को। आज बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, और जब इतने दिनों बाद आया हूं तो खाली हाथ कैसे आ सकता था। इस वक्त मेरे पास एक पुस्तक उपलब्ध हुई है जिसका नाम है सरिता एक सरस प्रवाह। इसमें 31 कविताएं प्रवाहित हैं, और बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि ये सारी की सारी कविताएं मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अभी कुछ देर पहले ही इस पुस्तक का लिंक मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खुशी को आप सभी के साथ साझा किया जाए। ये पुस्तक प्रकाशित हुई है राजमंगल प्रकाशन के द्वारा, जो कि वर्तमान समय में साहित्य में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और मैं उनके कार्य के लिए सराहता भी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस प्रत्येक इंसान को जो कभी मेरे बगल में बैठा, मेरे साथ चला, और उसने मेरी चार पंक्तियों को सुनकर कहा, अरे वाह हृदय, क्या लिखा है तुमने। मैं उन चेहरों का आज धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी चार पंक्तियों को सुनकर मुस्कुराया और कहा उन्हीं मुस्कान के साथ कि बस ऐसे ही लिखते रहना। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा लिखना पढ़ा, मुझे सुना और मुझे आशीर्वाद दिया कि खुश रहो बेटा, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, ऐसे ही लिखते रहना। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज ये पुस्तक अगर उपलब्ध है तो ये उसका एक साकार रूप है उन सभी लोगों का। साथ ही उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें इस पुस्तक की कोई उम्मीद थी और आज वो समक्ष है। तो उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप कहेंगे कि अभ्युदय, इस बुक में खास बात क्या है, इस किताब में ऐसी खास बात क्या है जो आज ये प्रस्तुत हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब इसमें आधी से ज़्यादा लगभग कविताएं ऐसी हैं जिन्हें मैंने कभी सार्वजनिक रूप पे प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें मैंने छुपा कर रखा, और कुछ कारण थे। जब आप उन कविताओं को पढ़ेंगे तो आप अवश्य समझ जाएंगे कि मेरा उद्देश्य क्या था उसके पीछे। मैं जिक्र करना चाहूँगा द्यूत सभा, एक कविता इसी किताब की, जो कि महाभारत के द्रौपदी प्रसंग पर आधारित है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इस कविता को लिखने के पीछे ये रहा कि मैं किसी भी पात्र को जो सभा में मौजूद था उसे क्यों क्षमा प्रदान करूं, मैं उसे क्यों माफ कर दूं। मैंने इसी उद्देश्य के साथ उस कविता को लिखा, और वो चाहे कौरव हो, पांडव हो, कोई भी उस सभा में मौजूद रहा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। और ये करीब करीब एक लंबी कविता भी है, तो आप इसे जब पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको खुशी महसूस होगी। और मैं एक आपको सिर्फ उसका एक छंद सुनाना चाहूंगा कि पासा पढ़ते धर्म का हृदय रो पड़ा था, पासा पढ़ते धर्म का हृदय रो पड़ा था, नारी सम्मान न करता दुर्योधन दुष्ट बड़ा था, दासी द्रौपदी कहता नीच अहंकारी कपाल था, मैं ना मानू पांडव पुत्रों के रक्त में उबाल था, मैं ना मानू पांडव पुत्रों के रक्त में उबाल था। साथ ही एक और कविता है जो कि प्रेम के वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, हृदय ने कहा। जी हाँ, इसका भी मैं एक छंद आपको सुनाना चाहूंगा कि हृदय ने कहा, हृदय ने कहा तुम नमक जैसी मन भीतर मैं भी समुद्र हुआ, हृदय ने कहा तुम नमक जैसी मन भीतर मैं भी समुद्र हुआ, हृदय ने कहा तुम सावन जैसी खींचा चला आता मैं मेघ हुआ, हृदय ने कहा तुम लहरों जैसी इंतजार में बैठा मैं रेत हुआ, इंतजार में बैठा मैं रेत हुआ। ऐसे ही कई भिन्न भिन्न कविताएं इस किताब में प्रवाहित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे बिहार बोर्ड के सिलेबस से यदि उन्हें जानकारी हो उससे वो संपर्क रखते हों, और जो इस वक्त पढ़ रहे हों, तो उन्हें 8वीं क्लास में एक कहानी मिलती होगी हिंदी के पुस्तक में, खेमा। जिस समय मैं पढ़ता था ये कहानी भी मुझे मिली, मैंने इसे पढ़ा, और करीब वो छुट्टियों के दिन थे। तो जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो खेमा उस बच्चे का नाम है जो बाल मजदूरी करता है, और जो उसका मालिक है जो चाय के दुकान पर उसे काम करवाता है उसका नाम रहता है कसारा। और किसी कारण से माँ बाप को बचपन में ही अपने बेटे को बेचना पड़ जाता है, वो भी बेबस हैं इस चीज़ के लिए। और ये कहानी मेरे दिल पर, मेरे मन पर इसने बहुत प्रभाव डाला, और जब मैं कविताएं लिखता रहा उस बीच में मेरा ध्यान आया कि क्यों ना मैं इस पूरी कहानी को भी एक कविता का रूप दे दूं। तो वही 8वीं क्लास की जो 8वें वर्ग में जो हिंदी की पुस्तक में जो कविता है खेमा, वो भी उस पर भी आपको एक कविता इस किताब में मिलेगी। और
इसी तरह कुछ भिन्न भिन्न अलग अलग कविताएं इसमें दिखेंगी जिन्हें शायद मैंने कभी आपको नहीं सुनाया। वो आत्मा हो, समय स्वयं साहसी होता है, ऐसी कितनी सारी कविताएं इसमें हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कविताएं पसंद आएंगी। और इस किताब को मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अकेले ये रूप दे दिया, मैंने अपना जो काम था किया, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी जन्मभूमि बलिया उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, आप उनके बारे में विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, डॉक्टर जनार्दन राय, एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़े विद्वान, और मैं उनकी शायद डिग्रियाँ पढ़ता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। तो उन्होंने इस किताब को पढ़ा और उस पर उन्होंने एक बहुत अच्छी व्याख्या लिखी है किताब के शुरुआत में, आरंभ में, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ही बिहार के पटना के गृह मंत्रालय में एक लोकप्रिय प्रशासक हैं, मुख्य सचिव हैं, विकास वैभव जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री विकास वैभव, ये 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस किताब की कुछ कविताएं पढ़ी और इस किताब को बहुत सारा प्यार दिया, अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ बेतिया एमजे के कॉलेज की हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा मैम का भी, जिन्होंने इस पुस्तक को ठीक उसी प्रकार प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सराहा। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, एक भाई के समान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र श्री आशुतोष राज्य का, जिन्होंने इस पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लगाई और निभाया उन्होंने। तो इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में धन्यवाद उन सभी लोगों का जो इस पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे, कभी अपनी प्रतिक्रियाओं से, कभी कुछ कहकर, कभी मेरा मनोबल बढ़ाकर। तो मैं उन सभी दोस्तों का, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने उस स्कूल, उस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, वहाँ के शिक्षकों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना कर पाया। आगे का सफ़र जारी है। और कहते कहते मैं बस आप सभी को इतना बताना चाहूँगा कि इसी में एक कविता और भी है ऐसी पुस्तक में, कि चलता गया, कि सपने संजो कर चलता गया, मंजिल का मध चढ़ता गया, राह भी रुकी थी कहीं, मगर मैं था कि चलता गया। और ठीक ये कविता खत्म कहाँ होती है, तो सुनिएगा सुनिएगा कि जंग जीत कर चलता गया, हर किला अपने नाम करता गया, काफिला मशगूल था जश्न मनाने में, मगर मैं था कि चलता गया। फिलहाल के लिए ये पुस्तक आपको Amazon पे उपलब्ध है, इसका लिंक मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक को ज़रूर से ज़रूर मंगवाइए, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैंने अभी कुछ समय पहले अपनी 12वीं कक्षा पूरी की है, मैं उससे उत्तीर्ण हुआ हूँ, स्नातक में मुझे अभी नामांकन लेना बाकी है। तो ये सफ़र की एक शुरुआत है। अगर इस आरंभ में आप इस किताब को खरीद कर, कुछ किताब जो कविताएं हैं उन्हें पढ़कर आप अपनी प्रतिक्रिया अगर दर्ज करेंगे, मुझे भेजेंगे कि आपको कौन सी कविता पसंद लगी, क्या कारण रहा, कौन सी कविता नहीं अच्छी लगी, आप अपनी सारी प्रतिक्रियाएं मुझे भेज सकते हैं। मैं खुलकर इन सभी कविताओं पर आपसे बात करने के लिए भी हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो इस किताब को अपना प्यार दीजिए। मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि अगर इस किताब को पढ़ते हुए आप अपनी फ़ोटो मेरे पास भेजें, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा उपहार बड़ा मेरे लिए कोई हो सकता है। तो इस किताब को जितना प्यार हो सके आप दीजिए, Amazon पर और भी अन्य जो माध्यम हैं, ये कुछ दिनों में Flipkart और Snapdeal पे भी ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ पे भी अपने जो प्रतिक्रिया है इस पुस्तक के प्रति, उसे अवश्य दर्ज कीजिए। और मैं समझता हूँ कि मेरा काम यहाँ तक था, मैंने उसे किया, आगे का जो सफ़र है वो एक बार फिर आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ही संभव है। तो एक बार पुनः मुझे आवश्यकता है आप सभी के प्यार की, आप सभी के आशीर्वाद की। इस पुस्तक को ठीक उसी प्रकार जिस तरह पीछे आपने इतना सहयोग और साथ दिया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत इस बात के लिए अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस पुस्तक को अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी कार्य मेरा इस पुस्तक में रहा, आपको बहुत बहुत पसंद आए। एक बार पुनः मैं राजमंगल प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए, उन सभी लोगों को भी और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक आपको Amazon पे उपलब्ध है, मैं पुनः बता रहा हूँ, और अन्य भी अन्य माध्यमों पे आपको उपलब्ध हो जाएगी कुछ दिनों में। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ समय बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।